तो स्वागत नहीं करोगे क्या? बोस परिवार की नई बहू का भाई जना के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, तमाम जना के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जनक बोस परिवार की नई बहू बन चुकी है। बस होने को तो है सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, और वो है अनिरुद्ध का जनक के मांग में सिंदूर भरना। लेकिन अफसोस की बात है कि ये ना बोस परिवार में नहीं हो सकता है, क्योंकि अनिरुद्ध जनक को बहू बनाकर लाया, लेकिन इस घर में वो अपनी पत्नी बनाकर रखने के लिए उसे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन मांग में सिंदूर वो भरेगा, लेकिन बोस परिवार के सामने और इस घर में तो नहीं। लेकिन मांग में सिंदूर भरने के लिए कौन सी नई शर्तों को अपनाएगा, और ऐसे में कहानी का नया पड़ाव कैसे होगा, और बोस परिवार में जब जनक को अनिरुद्ध बहू बनाकर डंकी की चोट पर लाएगा तो घर में क्या तमाशा होगा, और अनिरुद्ध जनक के लिए किस किस से लड़ेगा, ये जानते हैं सारे तमाम अपडेट्स को आज के इस खास रिपोर्टवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपके अपने पसंदीदा शो जनक से जुड़े आप सभी के लिए एक नए अपडेट को लेकर हाजिर। जहां पर दोस्तों मैं वेणु कुमार आज ये बताना चाहता हूं कि भाई फिलहाल ना जनक की कहानी का जो शूटिंग चल रहा था अस्पताल में, उसे रैप अप कर लिया गया, यानी वहां से सेट हट चुका है। यानी सारे लोग कहां पहुंच चुके हैं, बोस परिवार में पहुंच चुके हैं। बोस परिवार में पहुंचने के अलावा इनके पास एक बहुत बड़ा काम भी है, वो काम है फिलहाल जनक को इस घर से जोड़े रखना। भाई देखो, बीच में जनक गई थी अनिरुद्ध के पास, आदित्य के पास, वापस आई है और फिर से वापस मुंबई में सेट लगाकर अनिरुद्ध आदित्य के साथ जनक को शो में नहीं दिखाया जा सकता। जनक को वहीं दिखाया जा सकता है जहां पे अनिरुद्ध बोस है, और अनिरुद्ध को जनक ने वादा किया है कि वो उसे अब छोड़कर नहीं जाएगी। अनिरुद्ध ने भी जनक को वादा किया, दोनों ने एक दूसरे को मिलकर ये सहानुभूति दी कि ये अब दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ेगा तो कौन छोड़ेगा, वो तो अर्षी छोड़ेगी। अर्षी मुखर्जी की बात करना मुझे लगता है कि इस वीडियो में फालतू का टॉपिक होगा, इसीलिए अब जनक को बहू बनाकर अनिरुद्ध लेकर आया है। सभी के सामने उसने बोल दिया है कि वो मतलब यदि वो स्वस्थ रहना चाहता है, यदि घर वाले चाहते हैं कि अनिरुद्ध सही सलामत रहे, तो भाई जनक को मेरे साथ रहने दो, इस घर में रहने दो, मैं जनक को देखते रहूंगा तो धीरे धीरे रिकवर होता जाऊंगा। चलो किसी ना किसी बहाने से, ये जो बहानेबाज है ना अनिरुद्ध, फिर से आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फिर से वेणु कुमार सर, यार आप फिर से आप उसे बोल रहे हो कि वो बहानेबाज है वगैरह। देखो बहानेबाज तो है भाई, सबसे बड़े बहानेबाज क्या है कि यदि जनक से प्यार करता, जनक से इसने पहले क्यों नहीं बोला, चलिए कुछ नहीं, पास्ट की बातों को नहीं खींचता। लेकिन आज के एपिसोड की बात करूँ ना भाई, पहले ये जनक से मिलता है अस्पताल में, जब ऑपरेशन के बाद जनक को बातें बोलता है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें करते करते दोनों एक दूसरे से वादे करते हैं, जिसके बाद अर्षी आती है। जैसी अर्षी आती है भाई अनिरुद्ध से पलट जाता है, मुझे नींद आ रहा है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, अर्षी थोड़ा पास आओ ना, मुझे नींद आ रहा है, मुझे जाने दो। वाह यार, कुल मिला के भाई अनिरुद्ध का ये जो किरदार है ना, ये बहुत ज़्यादा फनी हो चुका भाई। ऐसा कैरेक्टर ना शायद किसी शो में नहीं देखा, ये कितने अच्छे से दो लोगों को मैनेज कर लेता है भाई, दो लड़कियों को। आप में से कोई भी ऐसा डबल गेम खेल रहा होगा तो भाई शो से ना अनिरुद्ध को लेकर जरूर इंस्पायर होना भाई, आपको काम आएगा। लेकिन फिलहाल टॉपिक पर आए ना दोस्तों, कि अनिरुद्ध को एक बात जरूर पता था कि अर्षी से पीछा छुड़ाने का ये ही सही मौका है, बार बार जिंदगी मौके नहीं देने वाली है। अर्षी ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ा, मेरे हार्ट अटैक को उसने छाती का दर्द सब बहाना बनाया, उसे लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसके साथ नहीं जाना चाह रहा हूँ। यही मौका है कि अर्षी को टारगेट बनाया जाए और अर्षी को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया जाए। बेशक ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अर्षी को निकाल कर फेंक दिया जाए, लेकिन एक और बहुत बड़ी बात आने वाली है, और वो है कि भाई यहाँ पे ना अर्षी और सृष्टि ने जनक की माँ को खरी खोटी सुनाई है, दुनिया भर की बातें बोली है। और ये जो है ना, ये विनायक यानी अर्षी के पिताजी भी सुने थे ये बात को, और हमारा आदित्य कपूर भी इस बात को सुन रहा था। यानी कुल मिला के इन बातों को सुन लेने के बाद इनको ये बात पता चल गया है कि भाई अब ये बातें जाकर अनिरुद्ध को बता देनी चाहिए। और अनिरुद्ध तो आप जानते हैं कि ब्रजभूषण के सच को, उर्वशी जी के सच को, सारे सच को जानता है। और ऐसे में यदि अर्षी और सृष्टि दोनों माँ बेटी जनक को, जनक की माँ के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो भाई अनिरुद्ध इनको पलट कर जवाब देगा। जवाब देना नहीं भाई, बल्कि इनको ना पूरी तरीके से जेल के सलाखों के पीछे भेजेगा। वो भी वक्त आएगा, इंतजार करो, आंखों को सुकून देने वाला लम्हा होगा वो, मैं जान रहा हूँ आप लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी लम्हा आएगा। लेकिन उन सभी के पहले ना भाई, अब अनिरुद्ध ने जनक को अपने घर में ला दिया,
अब सोचने वाली बात है कि भाई जनक ने एक मन्नत मांगी थी। आप सभी लोगों को शायद याद होगा, मंदिर में जनक जाती है, वो जो फूल लेकर आती है उसके पहले पंडित जी बोलते हैं कि याद रखना पिछले बार भी तुमने बोला था कि तुम अपने पति को लेकर आओगी लेकिन नहीं आई। तो प्लीज बिटिया इस बार ऐसा कुछ मत करना कि जिससे भगवान फिर से नाराज हो जाए। और ये बात जनक को बखूबी याद थी, इसीलिए जनक अनिरुद्ध को लेकर आएगी मंदिर। लेकर आएगी नहीं बल्कि यहाँ पे ये दोनों साथ में पूजा भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, भगवान से मन्नत भी मांगेंगे कि ये दोनों एक हो जाए। लेकिन सोचिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या होने वाला है। ये सब कुछ कब होगा पता है आपको? मंदिर का सीन होगा पहले बोस परिवार में, बोस हाउस में जाने के बाद। यानी पहले अनिरुद्ध और जनक अस्पताल से सीधे कहाँ आएंगे? बोस हाउस में आएंगे। बोस हाउस में आकर ये दोनों यहाँ पे अपने हक की लड़ाई वगैरह जो भी तमाशा होना, फिर से बोस परिवार में बोलेंगे कि जनक क्या करे वगैरह वगैरह। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो दादा दादी है ना भाई, जो घर के बड़े लोग हैं, इन लोगों के बात समझ में आएगी कि जनक नहीं होती तो आज अनिरुद्ध की जान नहीं होती, इसीलिए ये लोग जनक के शुक्रगुजार होंगे। चलो भाई घर में कोई तो है जो जनक को समझ रहा है, जो हालात को समझ रहा है, इसीलिए अब अनिरुद्ध और जनक को एक साथ रखने का फैसला किया जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध ना जनक को ऐवई ऐसे ही नहीं रखना चाहता है। अनिरुद्ध चाहता है कि जनक को वो अपना पत्नी बना ले, अर्शी के साथ तलाक ले ले। और इसके लिए यदि एक और बहुत बड़ी बात है कि अर्शी के साथ शादी नहीं हुई है, ये बात भी अनिरुद्ध अभी जनक को बताएगा। जो हक ये जता रही है ना अर्शी बार बार, वो हक के बारे में भी अनिरुद्ध बताएगा। और इसी के लिए जब बोस परिवार में सारी चीज़ हो जाएंगी, सोर्सेस के अनुसार मंदिर में ये दोनों जाएंगे जहाँ पर जनक को पता ही नहीं होगा, और अनिरुद्ध जनक के मांग में सिंदूर भर देगा। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बोलते हैं, ये बात सभी को पता है। जनक भी अनिरुद्ध को अपना पति मानती है, बोलती है कि सर जी आपसे मैं प्यार करती हूँ, आप ही मेरे पति हो वगैरह वगैरह। तो जब ये सब चीज़ें मानते हैं, ये सभी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो भाई प्लीज़ आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। भाई मंदिर में भगवान के सामने यदि सिंदूर भरा जा रहा है तो सोचिए इससे बड़ा कोई अच्छा खूबसूरत लम्हा नहीं हो सकता, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। बार बार मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ना यदि अनिरुद्ध ने इस बार जनक को मांग में सिंदूर भरा है तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट मौका है। अब घर में कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, भाई पंडित है, भगवान साक्षी है, इससे बड़ा दुनिया में कोई साक्षी नहीं होता। अब देखिए सोचने वाली बात है कि भाई जनक अनिरुद्ध शादी कर लेंगे तो अर्शी का क्या होगा? अर्शी क्या जनक और अनिरुद्ध के बीच में आएगी? भाई देखो अनिरुद्ध और जनक के बीच में अर्शी आएगी, लेकिन किस बेस पे आएगी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, अर्शी का अनिरुद्ध के साथ शादी जो हुआ है ना वो 90% है, ये बात सारे घर वालों को पता है, ये बात सारे घर वाले बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि जनक यदि यदि अर्शी जनक से हार गई, मान लो, समझ में आ रहा ना, अर्शी को अनिरुद्ध को पाना नहीं है, अर्शी को जनक से हारना नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि अर्शी जनक को हराना चाहती है, अनिरुद्ध को पाना नहीं चाहती है, प्यार नहीं करना चाहती है, वो प्यार से ज़्यादा जनक से किए गए नफरत की आड़ में उसे चोट पहुँचाना चाहती है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहती है। और सोचने वाली बात है कि भाई जब अनिरुद्ध जनक के मांग में सिंदूर भर देगा तो अर्शी ना शादी के पति के बेस पे नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में उससे टारगेट करेगी, जिसके साथ बेचारे अनिरुद्ध के ऊपर कार्रवाई वगैरह दुनिया भर की काम करवाएगी। लेकिन जब अनिरुद्ध ने शादी कर ही ली है तो क्या बोस परिवार अनिरुद्ध को बचाएगा नहीं? या फिर यूँ कहें कि अनिरुद्ध और जनक दोनों एक दूसरे के साथ अलग हो जाएंगे, कहीं और दूर रहने, कहीं और चले जाने, ऐसा कुछ भी हो सकता शायद। तो देखना होगा, कुल मिला के ये देखना होगा कि जब शादी होगी, मांग में सिंदूर भरेगा ना अनिरुद्ध, तो जनक क्या रिएक्ट करेगी और जनक इस शादी को एक्सेप्ट करेगी? क्या जनक तब भी महान बन के फिर वापस बोलेगी कि नहीं आप अर्शी दीदी के साथ रहो, आपने उनसे शादी की वगैरह? क्या ये कुछ होने वाला, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होगा क्या, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस सीन को लेकर, इस कहानी को लेकर, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो जनक जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, बेशक वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक 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 से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट रेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ आप सभी के सामने होंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा गुड बाय, जय हिंद जय भारत। देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर।